नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप बिहार के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर जाएं, जहां पर आपको बिहार के इतिहास से जुड़ी, बिहार के भूगोल से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में नर्सों और आयुष डॉक्टरों की होगी बंपर बहाली। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर भर्ती PET परीक्षा का जारी हुआ स्केड्यूल। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट की संभावित तारीख आई सामने। बिहार में अब चलेगी भीषण लू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में नर्सों और आयुष डॉक्टरों की होगी बंपर बहाली। बिहार का स्वास्थ्य महकमा भले ही सवालों के घेरे में हो, लेकिन जल्द ही अब उम्मीद है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके संकेत खुद ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिए हैं। बीते दिन ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले एक महीने में 9000 नर्स और 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। पिछले 3 सालों में 17000 ANM और GNM की बहाली हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि वर्तमान में जनरल मेडिकल ऑफिसर के सिर्फ 220 पद ही खाली हैं। इसके अलावा 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली होने जा रही है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर भर्ती PET परीक्षा का जारी हुआ स्केड्यूल। बीते दिन बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर भर्ती PET परीक्षा का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही फॉरेस्टर के पद के लिए 18 अप्रैल को परीक्षा होगी। वहीं फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए 19 और 20 अप्रैल को PET परीक्षा आयोजित की जाएगी। CSBC बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर पदों के लिए होने वाली PET परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स CSBC.BIH.NIC.IN पर रिवाइज स्केड्यूल देख सकते हैं। हालांकि पहले यह परीक्षा जनवरी महीने में आयोजित होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी। ध्यान रहे, अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित समय पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के गेट नंबर 1 पर पहुंचने के लिए कहा गया है। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत बीते दिन दी गई है, जिसके तहत ही बिहार में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली की दरों का ऐलान किया गया, जिसके तहत ही बिजली दर में 9.90% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर कई स्तर पर जन सुनवाई की। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने शुक्रवार को इस संबंध में लिए गए फैसले को सार्वजनिक किया। घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली कंपनी के उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया, जिसके तहत DS2 के 3 स्लैब को 2 स्लैब में सीमित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंट और स्पेशल परीक्षा के लिए आज से करें आवेदन। इंटर के रिजल्ट को निर्धारित समय पर जारी करने वाले बिहार बोर्ड ने अब अपने नाम उपलब्धि तो दर्ज करवाई ही थी, अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कक्षा 12 या इंटरमीडिएट फाइनल कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा आयोजित करने में जुट गया है। इसको लेकर बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 26 मार्च यानी कि शनिवार से शुरू होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विंडो 30 मार्च तक खुली रहेगी, जिसके तहत ही अब बिहार बोर्ड की तरफ से इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट bihar.gov.in पर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटर की परीक्षा में कुल 13,46,000 छात्र शामिल हुए थे। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल मिलाकर 75 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे सानंद वर्मा की। सानंद वर्मा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। वो कई धारावाहिकों, फिल्मों, वेब श्रृंखलाओं में और विज्ञापन फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं। वो वर्तमान में TV सिटकॉम भाभी जी घर पर है में अनोखे लाल सक्सेना की भूमिका निभा रहे हैं। सानंद वर्मा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। साल 2012 से ही सानंद वर्मा अलग अलग टीवी शोज और फिल्मों में काम कर रहे हैं। छोटे पर्दे के पॉपुलर सिटकॉम भाभी जी घर पर है में अनोखे लाल सक्सेना का किरदार निभाने वाले एक्टर सानंद वर्मा को ही हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अपनी बेहतरीन कलाकारी की वजह से उन्हें ये अवार्ड दिया गया।
बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट की संभावित तारीख आई सामने। इंटर की परीक्षा परिणाम को समय पर जारी करने के बाद ही अब बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा परिणाम को समय पर जारी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कुछ सेंटरों पर गणित की परीक्षा के दौरान हुए बवाल के बाद कुछ जगहों पर दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसके बाद ही अब ये चर्चाएं तेज हो गई है कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परिणाम की घोषणा जल्द ही होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मैट्रिक टॉपरों की कॉपियां बोर्ड ऑफिस में आना शुरू हो गई है। अब एक्सपर्ट से उनकी रीचेकिंग करवाई जाएगी। आज तक मेरिट लिस्ट में ऊपर रहने वाले सभी विद्यार्थियों की कॉपी आ जाने की उम्मीद है, जिसके बाद आज से ही टॉपरों का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 28 या 29 को बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। डीएलएड फेस टू फेस का ऑनलाइन पंजीयन कराए इस तारीख से। बिहार बोर्ड के डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख आ गई है, जिसके तहत ही अब उम्मीदवार 28 मार्च से इसे भर सकेंगे। इसके पहले बोर्ड की तरफ से पंजीयन आवेदन secondary.biharboardonline.com पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद ही संबंधित कॉलेज के प्राचार्य आवेदन को डाउनलोड करके फॉर्म भरेंगे। कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 28 मार्च से 8 अप्रैल तक किया जाएगा। पंजीयन आवेदन के लिए निर्धारित ₹400 शुल्क के तौर पर देने होंगे। पीडीएस दुकानों में अब होगा बड़ा बदलाव। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में बिहार सरकार जल्द ही बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके संकेत नीतीश सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय के बाद ही मिल गए हैं, जिसके तहत ही राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। इसको लेकर ही खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने विविध प्रकार की तैयारी की है, जिससे कि जल्द ही नए रूप में पीडीएस का लाभ आम लोगों को सरलतापूर्वक मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में मौजूदा समय में भी औसत प्रति 1500 लाभों पर एक पीडीएस दुकान है। राज्य में जन वितरण की कुल 55,304 दुकानें स्वीकृत हैं, हालांकि सिर्फ 49,381 दुकान ही कार्यरत है। ऐसे में फिलहाल लगभग 6,000 दुकानें रिक्त हैं, जिनकी बहाली की जानी है। अगर सभी स्वीकृत दुकानें संचालित होने लगी तो उस स्थिति में प्रति 1,000 लाभों पर औसतन एक पीडीएस दुकान होगी। खगड़िया के बावनकोठी तिरपन द्वार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भूल भुलैया के नाम से जाने जाने वाला यह महल गोगरी अनुमंडल स्थित भतखंड गांव में गंगा किनारे राजा बैरम सिंह द्वारा 1633 ईसा में बनवाया गया था। ये ऐतिहासिक महल बावनकोठी तिरपन द्वार नाम से विख्यात है। ये महल मुगल कालीन है, इसकी वास्तुकला आज भी जीवंत है। इस महल के अंदर एक मंडप है, जिसे चारों तरफ ईंट मारने पर अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। इसके अंदर एक सुरंग भी है, उसी सुरंग द्वारा राजा और रानी पूजा करने के लिए मंदिर आते थे। इस महल में 27 तरह के ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसे भूल भुलैया इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर कोई अनजान इसमें घुस गया तो वो फिर जल्दी निकल नहीं पाता। हालांकि ये ऐतिहासिक महल सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक पर्यटन विभाग के नक्शे पर नहीं आ सका है और इसकी स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। विधायकों को स्पीकर विजय सिन्हा ने दी चेतावनी। बीते दिन विधानसभा के प्रश्नकाल में एआईएमआईएम और भाकपा माले के विधायकों का भारी हंगामा देखने को मिला। इस दौरान ही विपक्षी विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। फिर क्या था, विपक्षी दलों के इस विरोध को देखकर स्पीकर विजय सिन्हा बिफर गए, जहां उन्होंने सभी विधायकों को साफ कहा कि वेल में आने से आसन दबाव में नहीं आएगा, आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। आप लोग बार बार वेल में आकर सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आसन कभी किसी के दबाव में नहीं आता। स्पीकर के तल्ख तेवर के बाद विपक्षी विधायक शांत हुए, तब जाकर प्रश्नकाल शुरुआत हो सकी। आज विधानसभा में होगी खास व्यवस्था। आमतौर पर शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई बंद रहती है, लेकिन आम बजट सत्र के दौरान आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई जारी रहने वाली है। इसको लेकर विधानसभा में आज विनियोग विधेयक के बाद एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। इसको लेकर आज 2 घंटे तक सदन में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य को लेकर ये विशेष चर्चा आयोजित होगी। इसको लेकर बीते दिन ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कार्रवाई खत्म होने से पहले इसकी सूचना दी थी। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस दौरान वो लोकसभा में मंगवाई गई संविधान की प्रतियों को सभी सदस्यों के बीच वितरित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 31 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र जारी रहने वाला है। बिहार दिवस पर बच्चों के बीमार होने पर दोषियों की शुरू हुई तलाश। जहां एक तरफ बिहार के 110 साल पूरा होने पर पूरा बिहार जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान बिहार दिवस में शामिल होने आए बच्चों को खाने की जगह जहर परोसा जा रहा था। यही कारण भी है कि बच्चों के बीमार होने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि जितने बच्चे समारोह में शामिल होने आए सब के सब बीमार हो गए।
जिसके बाद आयोजकों के बीच अफरा तफरी की स्थिति तो देखने को मिली ही। अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके तहत इन्होंने साफ कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल लगभग 150 बच्चे बीमार हुए थे, जिनमें से 11 बच्चों का पीएमसीएच में इलाज चल रहा था, जबकि लगभग 60 बच्चों का इलाज गांधी मैदान में बने अस्थायी अस्पताल में चल रहा था। राहत की बात यह है कि सभी बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पीएमसीएच में अब कोई भी बच्चा नहीं है। बिहार में अब चलेगी भीषण लू। राज्य में अभी से ही भीषण गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच गया। बीते दिन पटना बिहार का सबसे गर्म स्थान रहा। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। प्रदेश में अगले 4-5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही आने वाले समय में 2-4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होने की भी संभावना जताई गई है। अमित शाह आएंगे बिहार। देश के गृहमंत्री अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। जानकारों की माने तो गृहमंत्री का ये दौरा बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि अपने इस यात्रा के दौरान अमित शाह आजादी के वीर सेनानियों को नमन करने वाले हैं। इसी शुभ घड़ी का हिस्सा बनने वो खास तौर पर बिहार आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत ही देश भर में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी दौरान 1857 की क्रांति के नायक रहे वीर कुंवर सिंह की जयंती उनके पैतृक स्थान जगदीशपुर में मनाई जाएगी। 23 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह शामिल होंगे। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि आजादी के नायकों की जन्मस्थली पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी को दिया झटका, कहा राजद में उनकी कोई जगह नहीं। तेजस्वी के बाद अब राबड़ी देवी ने मुकेश सहनी को झटका दिया है, जिसके तहत ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सहनी को लेकर बड़ी बात कह दी है। जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि राजद में मुकेश सहनी के लिए कोई जगह नहीं है। पार्टी में पहले ही कई बड़े निषाद नेता मौजूद है। कुछ दिन पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने फेसबुक लाइव के दौरान कहा था कि लालू प्रसाद की बात नहीं मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसी संदर्भ में जब पत्रकारों ने सवाल का जवाब पूछा तो राबड़ी देवी ने कहा कि वो कहां से जा रहे थे, उन्हें जाते समय सोचना चाहिए था। राजद में उनकी अब नो एंट्री है। बिहार के श्रमिकों को अपने ही घर में मिले काम। बीते दिन बिहार के 40 लाख श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान ही कोर्ट ने बिहार के 40 लाख से ज्यादा श्रमिकों को अपने घर में काम मिले, इस पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट में उपस्थित उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक तथा महाधिवक्ता ललित किशोर की मौजूदगी में उक्त आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश में तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात भी कही है। इस बाबत कोर्ट ने कहा है कि श्रमिकों को वापस लाने और प्रदेश में ही काम मिल जाए, ये तभी सुनिश्चित हो सकेगा जब प्रदेश में तेजी से औद्योगिकरण किया जाए। बैंकों की कार्यशैली पर सरकार ने जताई नाराजगी। बिहार के सभी बैंकों की कार्यशैली पर बिहार सरकार अब सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर ही बिहार में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंक और उनकी शाखाओं के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी विशेष बैठक करेगी। ये बैठक SLBC की बैठक से अलग होगी। इसमें बैंकों की शाखावार खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की 80वीं बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों के साथ विशेष बैठक बुलाने का निर्देश दिया। उन्होंने बैंकों की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि सभी प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य हासिल करने में बिहार के बैंक पीछे क्यों रह जाते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में दी जाएगी ब्रजपात में सुरक्षा की जानकारी। बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द ही बच्चों को अब ब्रजपात से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये सभी बच्चे बच्चियों के लिए सरल भाषा में उपलब्ध होने वाली है। इसको लेकर खुद सीएम नीतीश ने सभी जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से ब्रजपात से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश लागू करने का आदेश भी जारी किया गया। नितिन गडकरी ने किया ऐलान, इतने किलोमीटर पर होगी सिर्फ एक टोल प्लाजा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर के भीतर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 3 महीने के अंदर इसको लेकर जारी सभी मानकों को पूरा कर दिया जाएगा। पिछले दिनों उन्होंने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि 60 किलोमीटर के भीतर सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा और अगर दूसरा प्लाजा है तो इसे अगले 3 महीनों में बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने देश में सड़कों को लेकर के कई पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई से दिल्ली की यात्रा जल्द ही 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। योगी का शपथ ग्रहण समारोह और बिहार के मुखिया सीएम नीतीश के मुरीद हुए लोग।
उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया। हालांकि कार्यक्रम तो योगी आदित्यनाथ के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि लोग सीएम नीतीश के मुरीद हो गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि योगी ने जब सीएम पद की शपथ ली, तब मंच पर बैठे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विनम्रता से सबके आकर्षण के केंद्र बन गए। उन्होंने आत्मीय भाव से योगी आदित्यनाथ से हाथ मिलाकर उन्हें दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने की बधाई दी। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी का भी अभिवादन किया। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गुरु अमरदास 1552 में सिखों के तीसरे गुरु बने। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1972 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत के उत्तराखंड राज्य में 1973 में किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन किया, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक और अभिनेता धीरेन्द्र नाथ गांगुली का जन्म 1893 में हुआ। हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का 1907 में हुआ। 2006 में भारतीय राजनीतिज्ञ अनिल बिस्वास का निधन हुआ। आज से होगा आईपीएल का आगाज, भिड़ेगी सीएसके और केकेआर। आज से आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज हो रहा है। वहीं आज इस टूर्नामेंट की शुरुआत सीएसके और केकेआर के बीच हो रहे मुकाबले से होने वाली है। आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले मुकाबले से यानी कि होने वाला है। दोनों ही टीमों ने आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में कई नए खिलाड़ियों को अपनी टीम में जोड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की कमान इस साल स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर संभालेंगे। दो बार के चैंपियन केकेआर पिछले सीजन की उप विजेता रही थी, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार खिताब पर कब्जा किया था, जिसके बाद आज होने वाले मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिहार की बहू देवेना बनर्जी ने अपनी गोद भराई में जमकर किया डांस। बिहार से निकले अभिनेता गुरमीत चौधरी जल्द ही पिता बनने वाले हैं। इसी के तहत टीवी एक्ट्रेस देवेना बनर्जी की गोद भराई की रस्म हाल ही में हुई। इन दोनों एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी फेज के हर एक पल को एंजॉय करती हुई नजर आ रही है, और गोद भराई की रस्म के दौरान तो उन्होंने जमकर धमाल मचाया। बता दें कि देवेना अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में है। हाल ही में परिवार और कुछ करीबी दोस्तों के बीच देवेना बनर्जी की गोद भराई हुई। रस्म पूरी होते ही रामायण फेम एक्ट्रेस ने जमकर तस्वीरें क्लिक करवाई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो साउथ के एक मशहूर गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही है। अपने पैन कार्ड की करें जांच। पिछले कुछ सालों में भारत समेत पूरी दुनिया में डिजिटाइजेशन की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। हालांकि देश में डिजिटल दस्तावेजों से जुड़ी धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। पैन कार्ड हमारे डेली लाइफ में काम आने वाला जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसका उपयोग सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में हर वित्तीय लेनदेन के साथ किया जाता है। पैन कार्ड का उपयोग बैंक, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस आदि में किया जाता है। इनकम टैक्स फाइल करने में भी ये अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। लेकिन आजकल पैन कार्ड के नाम पर भी काफी धोखाधड़ी हो रही है। फर्जी पैन कार्ड के बढ़ते फ्रॉड के मामलों को देखते हुए आयकर विभाग ने इसमें QR कोड डालना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि पैन कार्ड असली है या नकली। सबसे पहले QR को स्कैन करने के लिए आपको आयकर विभाग का ऐप डाउनलोड करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोहित सिन्हा, रोहित शर्मा, रघुनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान, जितेंद्र ठाकुर, गौतम कुशवाहा, ऋषि कुमार, रविशंकर कुमार, सौरभ सिंघानिया, रविशंकर सिंह, प्रभात कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले जाने वाले पहले आईपीएल मुकाबले में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।